दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल खबर ब्लेयर में, जो लाता है देश और दुनिया की सारी खबरें घर बैठे आप तक। दोस्तों आप सबको तो पता ही है कि आईपीएल का फीवर चढ़ा हुआ है सब पे, और अब ये अपने अंतिम फेज में पहुंच गया है। सिर्फ भारत देश ही नहीं, पूरी दुनिया में ही इसकी दीवानगी फैली हुई है। कई लोगों की फेवरेट टीम जीत रही होगी, कई लोगों की फेवरेट टीम हार रही होगी। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। आईपीएल का दूसरा फेज दुबई में स्टार्ट हुआ था और अब ये खत्म हो रहा है। पता नहीं देखते ही देखते ये अपने फाइनल स्टेज पे भी पहुंच चुका है। कल क्वालिफायर का पहला मैच खेला गया था, जिसमें सीएसके ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा के एक बार फिर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। 2020 में सीएसके पहली ऐसी टीम थी जो कि प्लेऑफ से बाहर हो गई थी, लेकिन 2021 में वो पहली ऐसी टीम बनी जिसने फाइनल में अपनी जगह पक्की की हो। और धोनी की टीम ने ये बता दिया कि क्यों वह आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे सफल टीम में से एक है। सीएसके का एक्सपीरियंस और कैप्टन धोनी सीएसके को अलग बनाता है। कल के मैच में सीएसके ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया। जवाब में बैटिंग करने के लिए उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन एक बार फिर मिडिल ऑर्डर का ना चलना दिल्ली कैपिटल्स का परेशानी का सबक बना। अक्षर पटेल के चौथे नंबर पर भेजने का एक्सपेरिमेंट भी दिल्ली कैपिटल्स के काम नहीं आया। पृथ्वी शॉ का खेल रहे थे जब पृथ्वी शॉ खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि दिल्ली का स्कोर 200 के पार पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके आउट होते ही दिल्ली की पारी लड़खड़ा गई और उनका रन रेट भी थोड़ा रुक सा गया। पृथ्वी शॉ ने बेहतरीन पारी खेली और उन्होंने 34 गेंदों में 60 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के भी शामिल थे। लेकिन एक बार फिर श्रेयस अय्यर का शॉट सिलेक्शन खराब रहा और वह जल्दी ही आउट हो गए, लेकिन अंत में ऋषभ पंत और हेटमायर ने दिल्ली की पारी को संभाली और स्कोर को 172 रन तक पहुंचा दिया, जो कि इस पिच में एक फाइटिंग स्कोर था। जवाब में उतरी सीएसके की टीम की इस आईपीएल की सबसे खराब शुरुआत रही और उनका पहला विकेट टीम के स्कोर पर डुप्लेसी के रूप में गिर गया, लेकिन अपने ड्रीम फॉर्म में चल रहे ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी को अंत तक संभाल के रखा। उन्होंने 50 बॉलों पर 70 रन की बेहतरीन पारी खेली और रैना की जगह खेल रहे रॉबिन उथप्पा ने भी इस मौके को अच्छे तरह से ही यूज किया और उसका सही फायदा उठाया। उथप्पा ने 44 बॉलों पर 63 रन की बेहतरीन पारी खेली और मैच को सीएसके के पक्ष में कर दिया, लेकिन उनके आउट होते ही एक बार फिर मैच पलट गया और एक के बाद एक 4 विकेट लेकर दिल्ली की टीम ने मैच में वापसी कर ली। लेकिन कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है और फिर चला था माही शो और महेंद्र सिंह धोनी का वह विंटेज धोनी का खेलते हुए दिखे हमें, और उन्होंने 300 के स्ट्राइक रेट से 6 बॉलों पर 18 रन बना के सीएसके को एक बार फिर फाइनल में पहुंचा दिया। कल एमएस धोनी पहले वाले एमएस धोनी लग रहे थे जैसे वो पहले खेलते थे। कल के मैच में दिल्ली से बहुत बड़ी गलती हुई थी, उन्होंने लास्ट ओवर रबाडा से ना करवा के टॉम करन से कराया, क्योंकि रबाडा को डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस था, इसलिए उन्हें रबाडा से ही करवाना चाहिए था लास्ट ओवर, ना कि टॉम करन से। चलिए कोई बात नहीं, दिल्ली के लिए अभी एक और चांस है फाइनल में पहुंचने के लिए। अभी फेवरेट टीम, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।